ओमिक्रॉन की रफ्तार बड़ी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। दिल्ली में कोविड-19 के 22,751 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पॉजिटिव रेट अब तक 23.53% पहुंच गया है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो 17 लोगों की मौत भी हो गई है, जो इस साल अब तक सबसे ज्यादा है। पिछले साल मई महीने के बाद यह एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले हैं। इस बीच राजधानी की पुलिस पर भी कोरोना की मार पड़ रही है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के मुताबिक 300 से ज्यादा कर्मी कोविड-19 से पॉजिटिव आए हैं। वही 300 से ज्यादा कर्मियों के कोविड-19 पॉजिटिव होने से दिल्ली पुलिस की टेंशनें बढ़ गई हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अथाना द्वारा अपने कर्मियों के लिए कई गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। इस दौरान किसी कर्मियों के कोविड पॉजिटिव होने पर उनके सीनियर द्वारा उनकी और उनके परिवार की देखभाल करने समेत कई अन्य नियम बनाए गए हैं। लेकिन कुछ भी हो, अब कोरोना और इसका नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन देश में दहशत का माहौल बना रहा है, इसलिए कोरोना को सीरियस ले और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।